पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं ईच एंड एवरी डाउट आपका सॉल्व करूंगा। वन टू वन इंटरेक्शन होगा हमारा जूम मीटिंग पे। अगर आपने अभी तक वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, जिसकी एक फीस होगी नॉमिनल सी पूरे फिफ्थ सेमेस्टर के फाइनेंस की। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आपका वहां पर टेस्ट लिया जाएगा, आपके वन टू वन जो भी डाउट रहेंगे मेरे से क्लियर होंगे, एक टाइमिंग डिसाइड किया जाएगा, उसके लेक्चर्स भी कुछ जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनिए, जो भी फीस का डिटेल है उसका और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो आज के प्रॉब्लम में हम देखेंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट बना हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई, मैं इन्फॉर्मेशन रीड करता हूं। द कंपनी वॉन्ट्स टू बाय बैक 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल। 20% ऑफ इट्स इक्विटी कैपिटल मीन्स 8 लाख रुपीज। इक्विटी कैपिटल कितना? 8 लाख का 20%। 8 लाख का 20% इज 1,60,000। ओके, हमको पता चल गया कि बायबैक कितना करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। इट्स इक्विटी कैपिटल एट 10% प्रीमियम, इट मींस प्रीमियम भी है बायबैक में, तो दैट इज प्रीमियम ऑन बायबैक। कितना परसेंट है? 10%। तो 1,60,000 का ही 10% लेना है, दैट इज 16,000। ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे हम 1,60,000 को। क्या बोला आगे? फॉर दिस, मतलब बायबैक के लिए कंपनी इश्यूड 1200 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। बायबैक के लिए फर्म क्या कर रहा है? 1200 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है। प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है मतलब फ्रेश इशू है। कितना शेयर इशू कर रहा है? 1200। एक का वैल्यू कितना है? 100 रुपीज। तो 100 रुपीज इधर आ गया, 1,20,000। और 10% प्रीमियम पे इशू कर रहा है। याद रखना, फ्रेश इश्यू में जो भी प्रीमियम आएगा, वंस अगेन आई विल रिपीट, फ्रेश इश्यू में जो भी प्रीमियम आएगा वो प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। वो कौन सा प्रीमियम होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। तो 1,20,000 का 10% प्रीमियम है बोला है, मतलब 12,000। तो 12,000 का हम यहां लिख देते सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर। यू कैन राइट ओवर हियर ऑल्सो, मतलब यहां भी आप लिख सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ भी सोचते हो, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि रेवेन्यू रिजर्व स्लैश सिक्योरिटीज प्रीमियम है यहाँ पे। मतलब यहाँ पर हम रेवेन्यू रिजर्व भी यूज कर सकते हैं, यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ यूज करना यहाँ करो, यहाँ करना तो यहाँ करो। ओके, अब 1,60,000 में से 1,20,000 हमने फ्रेश इशू से ले लिया, बचा रेवेन्यू रिजर्व। अब रेवेन्यू रिजर्व में क्या क्या है हमारे पास? जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे प्रॉब्लम में आते क्या दिया हुआ? प्रॉब्लम में प्रॉफिट एंड लॉस है। कितना दिया हुआ? 80,000। हमको 1,60,000 में से 120 मिल गया, तो बचा कितना? 40,000। कहां से ले रहे हैं हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले रहे। कहां जाएगा ये पैसा? याद रखना, हमेशा CRR में जाएगा। ओके, नाउ 16,000 में से 12,000 मिल गया और 4,000 हम कहां से ले लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से ले लेंगे। ओके, अभी हमारे यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है वो सॉल्व हो गया। अब हमारा जनरल एंट्री, जनरल एंट्री क्या है? पहला हमारा कन्वर्जन ऑफ पार्टली बेटअप इनटू फुल्ली बेटअप। क्या शेयर ये पार्टली बेटअप है? नहीं, पार्टली बेटअप नहीं है। नेक्स्ट वन, दूसरा पॉइंट क्या था? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहीं भी बोला है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? वंस अगेन, देयर इज नो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तीसरा एंट्री इज फ्रेश इशू है क्या? यस, फ्रेश इशू इज देयर। क्या एंट्री आता फ्रेश इशू का? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये एंट्री फ्रेश इशू का हमने बाय ऐड किया है। ओके, कितना फ्रेश इशू कर रहे हैं हम? कैपिटल 1,20,000। तो 1,20,000। ओके, प्रीमियम कितना आया हमको? 12,000 का। तो 12,000, 1,20,000 प्लस 12 इज 1,32,000। ये हो गया हमारा पहला एंट्री। नाउ सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री क्या है हमारा फ्रेश इशू के बाद? क्लेम ट्रांसफर। क्लेम ट्रांसफर में एंट्री क्या मारते हम? इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो सीक्वेंस बहुत आसान है, ये हमारा पहला एंट्री है फ्रेश इशू।
सेकेंड एंट्री इज क्लेम ट्रांसफर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट अमाउंट क्या है अमाउंट 1,60,000 16,000 टोटल इज 1,76,000 नाउ थर्ड वन थर्ड एंट्री इज प्रीमियम रिटर्न ऑफ प्रीमियम रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या है हमारी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट राइट प्रीमियम राइट ऑफ करने के और क्या यूज किया हमने हमने रेवेन्यू रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो जो जो हम यूज करेंगे प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए वो सब डेबिट होंगे प्रीमियम कितना 16,000 राइट ऑफ हमने यहां और यहां से किया जो भी राइट ऑफ करे हैं वो हमारा डेबिट बन जाएगा टू क्या राइट ऑफ कर रहे हैं प्रीमियम ऑन बायबैक हमने जनरेटरी बायआउट किया है अभी भी जनरेटरी बायआउट नहीं तो प्लीज मेरा पहला लेक्चर देख लीजिए ओके यहाँ पे 12,000 हमने ले लिया यहाँ से 4,000 यहाँ से ले लिया टोटल हो गया 16,000 नाउ नेक्स्ट एंट्री इज क्रिएशन ऑफ सीआरआर सीआरआर कितना है हमारे पास 40,000 कहां से क्रिएट किया हमने प्रॉफिट एंड लॉस से तो एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर दैट इज कैपिटल रिडक्शन रिजर्व अकाउंट कितना 40,000 फिफ्थ वन इज पेमेंट का एंट्री इज इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हाउ मच इक्विटी शेयर होल्डर कितना है हमारे प्रॉब्लम के अंदर 1,76,000 देखो यहाँ पे कॉलम्स मैंने ड्रॉ नहीं किया है तो कॉलम आप लोग ड्रॉ कर लेना अच्छे से लिखना नरेशन की बात करते हैं तो पहला नरेशन इज बीइंग फ्रेश इश्यू मेड बीइंग क्लेम ट्रांसफर्ड बीइंग प्रीमियम रिटर्न ऑफ बीइंग सीआरआर क्रिएटेड एंड बीइंग पेमेंट मेड और इसके बाद का एंट्री था हमारा बोनस जो प्रॉब्लम में नहीं है उम्मीद करता हूँ कि ये आपको लेक्चर समझ में आया रहेगा अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच